नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा सभी वर्गों को साथ लेकर हरियाणा को और आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश सरकार हर वर्ग का उत्थान कर रही है, तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि सभी वादों को लागू करने का काम किया जा रहा है। साथ ही सफाई कर्मियों के हितों के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ झूठ की राजनीति की है, लेकिन मसला में सवाल ये कि क्या हरियाणा में पहले से ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है। सवाल ये भी कि सरकार के विकास के दावों पर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीएम सैनी की तरफ से जो प्रतिक्रिया और जो कांग्रेस पर हमला बोला है उसकी बाइट मैं आपको सुनवा देता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। तीसरी बार की ये सरकार और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को एक समान रूप से विकास करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं क्योंकि कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के लोकसभा के चुनावों के अंदर उन्होंने कुछ थोड़ा इस विकास के ऊपर ब्रेक लगाने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा लिया। उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहे हैं, कांग्रेस उस संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। अब देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को भी पहचान चुके हैं। अगर देखें हरियाणा के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लोग अब समझ चुके हैं कि इनके झूठ के अंदर नहीं आएंगे, और कांग्रेस के नेता अब हताश हैं। हताश ये हैं, सदमे में हैं कि मोदी जी की जो नीतियां उनको कैसे रोका जाए। अब ये और नई कोई तरकीब लेकर के आएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, इनकी चाल को समझिए। बिल्कुल हमने कहा है पक्की नौकरियां बिल्कुल देंगे ना, बिल्कुल देंगे हमने कहा है सर। हमने आने वाले 5 सालों के अंदर अपने संकल्प पत्र के अंदर हमने कहा है हम और नौकरियां भी बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। विकास के मुद्दों पर लगातार भले ही जो है हरियाणा की सरजमी पर जो है चुनाव हो गया, सरकार बन गई, लेकिन लगातार इस वक्त जो है हरियाणा की सरजमी पर विकास को लेकर जो है सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विकास के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है, विपक्ष लगातार विकास के दावों पर जो है सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। आज मसला में जानने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर जो विकास है आखिर उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। क्या सवाल यहां पर मसला में यह भी होगा कि क्या जिस तरीके से जो है पहले की तुलना में इस बार जो है विकास तेजी के साथ हो रहा है, क्योंकि लगातार सरकार दावा कर रही है, और जिस तरीके से जो है सरकार के दावों पर विपक्ष लगातार सवाल या निशान खड़े कर रहा है, सवाल या निशान लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार सवाल क्यों, विकास है तो सवाल क्यों, तो उसको लेकर जो है आज मसला में चर्चा करेंगे। तमाम सारे जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ आपसे कुछ देर में जुड़ने जा रहे हैं, और ऐसे में अभी हमने आपको सुनाया कि जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि विकास पहले की से ज्यादा तीव्र गति में हो रहा है, और जनता कांग्रेस का चेहरा पहचान चुकी है, तो उसको लेकर जो है मसला में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो है मेहमानों का परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ रामराजी शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कमल हांडा जी हैं,
कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और वीरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है सर आपका भी। लेकिन मसला की शुरुआत जो है रामराजे शर्मा जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से समीकरण धरातल पर दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप लगातार दावे कर रहे हैं कि विकास हो रहा है, जो मैनिफेस्टो हमने लागू किया था, जो मैनिफेस्टो हमने जनता के सामने रखा था उसमें जो है लगातार जो है विकास किया जा रहा है, उन सभी मैनिफेस्टो में किए गए वादों को जो है बिंदुवार तरीके से जो है पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर सवालिया निशान क्यों लगते हुए नजर आ रहे हैं? शर्मा जी ओवर टू यू। देखो धरातल पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और जनता उनका समर्थन कर रही है, जनता के बीच में रहते हैं, हर जहां भी जाते हैं हर कोई ये कोशिश करता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूं और मिलकर गदगद हो जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां सौगात देकर आते हैं। और एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारी सरकार ने करी है, महापुरुषों की, संतों की, महात्माओं की जयंती मनाने का, सरकार जयंती मनाती है, परसों भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मनाई सरकार के द्वारा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि थे, डीएससी समाज ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सफाई कर्मचारी हैं अपने उनका वेतन बढ़ाया और अब 26,000 और 27,000 उनका वेतन होएगा और जो उनका बीमा था भाई भगवान ऐसी ना करे कभी कोई दुर्घटना हो जाए सफाई करते समय, तो उनका 10,00,000 रुपये बीमा भी कर दिया है, 10,00,000 रुपये उस परिवार को भगवान ऐसी नौबत ना दे तो 10,00,000 रुपये परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। और जिस तरह से क्या है, क्या बोल रहे, बोलो ना, क्या बोल रहे, बोलो ना, प्रदेश की सुनता, प्रदेश की जनता देख रही है, आप जिस तरह से बीच में विघन डाल रहे हो ना प्रदेश की जनता देख रही है और प्रदेश की जनता ने आपको सबक भी सिखा दिया है। अभी सदमे में है कांग्रेस वाले, अभी आप लोग सदमे में हो, सदमे में। तो जिस तरह से केंद्र की बाती हमारी प्रदेश में सरकार बनाई है, हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन ने केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनाई, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व में सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने जनता के आशीर्वाद से, ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी जो जन जन के चेते हैं, 26 सत्ती बरादरी के हृदय सम्राट हैं और जिस तरह से उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां दी, सबसे पहले तो ये 25,000 नौकरियां जो कांग्रेस ने इनका भर्ती रोको गैंग ने रोक रखा था इनको नौकरियां दी और एक विधेयक ला करके 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। और ये वो कर्मचारी हैं जो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत काम करते थे, कौशल रोजगार निगम बनाया और इनको कौशल रोजगार निगम में इनको ट्रांसफर किया। और पहले ठेकेदारी प्रथा में क्या होता था, मुख्यमंत्री अपने चेतों को नौकरी लगाता था और अपने चेतों को ठेकेदार बनाता था और वो ठेकेदार क्या करता था, हर डिपार्टमेंट में ठेकेदार होता था, वो पैसे लेके भर्ती करता था, फिर 2-4-6 महीने बाद उसको धक्का देकर निकाल देता, फिर दूसरे से पैसे लेके भर्ती करता, फिर उसके साथ ऐसा करता। तो हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को बंद किया, ठीक है सर, और इनको कौशल रोजगार निगम में ले आके इन सभी भाइयों को बहनों को इनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और उनका आभार भी प्रकट करता हूँ। मैं जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास जो है डिबेट में और जो मेहमान है उनका भी जो है एक एक कॉमेंट में ले लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। कमल जी, क्या आपको लग रहा है कि धरातल पर जिस तरीके से जो है विकास होना चाहिए उस हिसाब से जो है हो रहा है? चूंकि लगातार बीजेपी के तरफ से जो है दावे किए जा रहे हैं
और बीजेपी की तरफ से जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीव्र गति से जो है विकास आगे की तरफ लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। कमल जी, अगर ऐसी स्थिति है, अगर विकास तेजी से बढ़ रहा है तो उस पर विपक्ष सवाल क्यों खड़ा कर रहा है? गौरव जी आपका नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार। सबसे पहले आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप पत्रकार हैं, आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी होती होगी, आप मुझे बताइए कि आपको विकास कहाँ नजर आ रहा है? मेरा सवाल है आपसे, जवाब दीजिए। जवाब तो यही है ना, जनता ने जवाब दिया। मैं जवाब क्या दूं? नहीं, जनता ने जवाब आपको, मतलब मुझे लगता है कि आप भी भाजपा के ही वो चाटुकार रहे हैं क्या? अब देखिए, आप के प्रवक्ता हैं, जनता ने जवाब दिया। नहीं सुनिए, आप कमल जी, आप मुझसे जवाब लेने के लिए आई हैं यहाँ पर, या फिर आप जवाब देने के लिए आई हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार जवाब, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। मैं तो आपसे पूछूंगा, आप मुझसे पूछ रही हैं। आप करके मेरी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। कैसी बातें कर रही है मैम? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है, कैसी बातें कर रही है? मैंने मैंने सिर्फ सवाल किया है, जो धरातल पर सवाल उठ रहे हैं विपक्ष, आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। भाषा शैली को मर्यादा में रखते हुए मैंने आपसे सीधा सवाल किया, मैंने कोई लाग लग नहीं किया। क्या मतलब होता है चाटुकार का? नहीं नहीं, मैं मर्यादा में रखते हुए जो है आप भाषा शैली का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो मैंने बोल दिया, मैंने बता दिया, जनता ने दिखाया। मैं देखिए, जनता से बड़ा तो कोई नहीं है ना, जनता से बड़ा तो आप भी नहीं है, मैं भी। जनता ने चुनाव करके जो है आपको वहां पर बिठाया है, चाहे आप जो है, आपको भी मैंडेट दिया है ना मैम, आपको मैंडेट दिया है विपक्ष के तौर पर, जो आपको गद्दी सौंपी है ना विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के तौर पर आपकी भूमिका आपको दी गई है, और मैंने नहीं दी, जनता ने दी है। विपक्ष का चुनाव अभी तो बहुत है, नहीं मैं दबाने की कोशिश नहीं कर रहा ना मैं। नहीं नहीं, देखिए गलत बात है, आप जैसी बातें कर रहे हैं, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया, और मैंने जवाब जनता के आधार पर दिया, जनता जनता के बिहाफ पे मैंने जवाब दिया है, मैंने अपने बिहाफ पे नहीं दिया। मैं आपका प्रवक्ता तो हूँ नहीं, ना बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बैठा हूँ, नहीं बीजेपी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से मैंने यहाँ पर नहीं बैठा हूँ मैडम। मैंने जनता के बिहाफ पर आपको जवाब दिया, जनता ने जो मैंडेट आप दोनों को दिया है, जनता ने मैंडेट जो हरियाणा में आप दोनों को दिया है, उसका जो है बखूबी आप जो पालन करिए, जो आपकी भूमिका है वो निभाइए। आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए, जवाब जो है शर्मा जी देंगे, शर्मा जी जवाब देने के लिए बैठे हैं। ओके, आप कर लीजिए और भाजपा का प्रवक्ता करता रहेगा। ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब सुनिए। ठीक है, सुनाइए, सुनिए जवाब आप। ठीक है, सुनाइए। विकास तो ये है कि जो टॉपर था पहले, तो सबसे पहले तो यही बात देख लो, इनको अपनी एक्स पदस्थी और विलासिता की कितनी पड़ी है, 80 करोड़ का इन्होंने टॉपर खरीद लिया, जो कि विधानसभा में भी इस्तेमाल हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी इस्तेमाल हुआ। आपको तकलीफ हो रही है? अरे आप फिर चुप कराएंगे तो या नहीं? गौरव जी खरीदना, शर्मा जी आप बोल लीजिएगा, शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगा, आप बोल लीजिएगा। वो नहीं सुनता, बहरा हो बाद में देना। शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगा, प्लीज शर्मा जी, समय की मर्यादा को समझिए और जो है अपने शब्दों को जो है कंट्रोल में नियमित रखिए। प्लीज प्लीज मुंह बंद रखो अपनी, समझे? जब मेरी बारी है तो मुझे बोलने दो। सुना, तुम क्या समझती हो अपने आप को? कमल जी, कमल जी, कमल जी, मेरा निवेदन है आपसे, शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगा। सुनिए, बिल्कुल 80 करोड़ का वो खरीदा हेलीकॉप्टर, किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, 500 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलना शुरू हुआ, और धरातल पर जो है वहां पर सिरसा में भूमि पूजन हो गया, एक नया मेडिकल हॉस्पिटल बनेगा और वहां पर कॉलेज भी बनेगा और मेडिकल कॉलेज बनेगा, आप जानते हैं, पता होगा आपको भी। लौट रहा हूँ शर्मा जी, आपके पास पुराना प्रोजेक्ट है वो, जो मतलब पेंडिंग था, 7-8 साल पहले वो उसको अप्रूवल मिल चुका था। कहाँ किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, कहाँ आप युवाओं को नौकरी दे रहे हैं? ये बोलते हैं हम भट्टी रोको गैंग तो खुद ही है, एक्सपीआरएन के अंदर लगा रहे हैं, और जिनको 15-20 हजार की सैलरी देंगे उनको 58 साल तक की गारंटी दे रहे हैं। अरे आपका तो खुद 10 साल का पता नहीं है, 58 साल की गारंटी आप कहां से देंगे, और उनको पक्का क्यों नहीं करते?
पहलवान बेटियों के बारे में इन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला, किसने नहीं किया, खेल कूद के बारे में कुछ नहीं बोला इन्होंने, युवाओं को लाठियां मारी, किसानों को खून लहू लुहान किया इन्होंने, जींद और चाना में लाठियां चलाई इन्होंने, ये किसान के लिए कैसे बनेंगे, ये भी खाद जान बुझ कर कम आयात की गई, बोला बोला ना चुप, अपनी बारी पे बोलना, अपनी बारी पे बोलना, सारे झूठ बोल रहे अपनी, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठी पार्टी हो, सबसे भ्रष्टाचारी हो, सबसे बड़ी झूठी पार्टी, लूट के खा गए प्रदेश को 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया और अभी अच्छी कर्ज और बढ़ा दिया इनका लोग को बोला प्रदेश पर कर्जा, अरे फिर आप उसको चालू कर देते हैं गौरव जी, क्या बात है ये, ठीक है आप कंप्लीट, अगर आपको भाजपा के प्रवक्ता को बुलाना फिर हमें क्यों बुलाते हैं आप लोग, नहीं आप कंप्लीट कीजिए ना मैम प्लीज कंप्लीट, शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगा जवाब दे दीजिएगा, फिर जब वो बोलेगा मैं भी नहीं बोलने दूंगी उसको, अभी सोच ले वो अहंकार में ज्यादा की इनकी सत्ता आ गई, अहंकार सामने पास रखो, मुझे मत दिखाना, मैं ये कह रही हूँ इन्होंने जो प्रचार किया झूठा प्रचार किया, इन्होंने दुष्प्रचार किया हमारे खिलाफ की, कांग्रेस ये कांग्रेस वो कांग्रेस उसकी सगी नहीं है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन बेवकूफों को ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बोला क्या था, देश का डंका बज रहा है, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं मुद्दों पर तो ये बात नहीं करेंगे कि 500 में सिलेंडर कब मिलेगा, 2100 महिलाओं को कब मिलेगा, वो 3 करोड़ खटाखट फटाफट दीदी कब बनेंगे, ड्रोन दीदी भी खटाखट फटाफट कब बनेगी, 2100 रुपए खटाखट फटाफट कब मिलेंगे, अब सुनिए आप हमारे देश का कितना डंका बज रहा है, पहले 4-5 चीजें बता देती हूँ, फेक नंबर में हमारा इंडिया नंबर 1 है, डंका बज रहा है हमारा, 19 हमारी कंपनियों को यूएस ने रद्द कर दिया कि कोई बिजनेस नहीं करेगी, हमारे देश का डंका बज रहा है, ठीक है, अब आप सुनिए अडानी के अरेस्ट वारंट कैसे निकले, हमारे देश का डंका बज गया ना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सामने ठेकेदार बनकर जाते थे जहां पर भी जाते थे, अब आप सुनिए वहां पर क्या क्या हो गया, कौन कौन से देश में क्या क्या हुआ उसकी जानकारी जरा लीजिए आप मुझसे, स्विट्जरलैंड में भी गौतम अडानी का $310 मिलियन सीज कर दिए, यानी कि वो निकाल नहीं सकता वहां से, ठीक है, और बांग्लादेश भी जो हमें खरी खोटी सुना रहा है, जिसको हम ही ने विभाजन करके बांग्लादेश बनाया, वो भी खरी खोटी सुना रहा है, एनर्जी के जो इनका जो समझौता हुआ था गौतम अडानी के खिलाफ, और सुनिए जिसको हमारी शेरनी ने बनाया था, लंका भी हमें गालियां दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है गो बैक होम, और एक सुनिएगा आप कि जो केन्या छोटा सा देश है बहुत छोटा नक्शे पर बहुत ढूंढने से मिलेगा, जो एयरपोर्ट का टेंडर उसने निकाला था वो कितने का था अडानी, उसमें अडानी की भी बोली थी टेंडर पर, टेंडर उन्होंने रद्द कर दिया जब यूएस ने गौतम अडानी के साथ अपना, उन्होंने सारे वो बिना सबूत से बात नहीं करते यूएस वाले, वो इंडिया नहीं है कि झूठी बातें पेश कर देंगे, उनका मीडिया झूठा प्रचार करेगा, वो इंडिया नहीं है वो अमेरिका है, ठीक है, तो उन्होंने जब इन सबको पता चला देशों को, उन्होंने टेंडर रद्द कर दिया गौतम अडानी के साथ, और बिजली की भी जो लाइन बिछानी थी वो भी रद्द कर दिया, केन्या जैसे छोटे देश में हमारा, तो सोचिए हमारे देश का कितना बड़ा डंका बज रहा है, और फिर यूएस ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं पुख्ता सबूतों के साथ, और अब देखते हैं कौन, अब 4 लोगों को वैसे भी बैन कर दिया यूएस जाने से, अमेरिका जाने से, उसमें कौन कौन है, अजीत डोवाल है, अमित शाह है, और माधुपुरी बुद्ध है, और एक अडानी है, एक आधा बंदा कोई और है जिसका नाम मुझे याद नहीं, और मैं झूठी बात नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं भाजपा ही नहीं हूँ, सुना आपने, कोई काम नहीं करते ये सिवाय प्रचार के, सिवाय कांग्रेस पर कटाक्ष करने के, ये जनता भी देख रही है, ये मुझे कहते हैं मैं तरीका सुधारो, पहले इस बंदे का तरीका सुधारो, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, ठीक है मैम, मैं आपके पास लौटूंगा, वीरेंद्र जी की भी जो है प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूँ, ठीक है मैम, कमल जी आ रहा हूँ मैं आपके पास वापस लौटूंगा, शर्मा जी मैं आपके पास भी आऊंगा, आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगा, वीरेंद्र जी क्या लग रहा है आपको जो है प्रदेश में जिस तरीके से जो है लगातार वादे किए जा रहे हैं और लगातार जो घोषणाएं की गई थी और उनको जो है धरातल पर जो है उतारती हुई सरकार दिखाई दे रही है जो कि लगातार वादे करती हुई नजर आ रही है। देखिए गौरव जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, कमल जी मैं लौटूंगा आपके पास, साथियों को प्रणाम करता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, पूरा समय दिया मैंने आपको। हाँ देखिए गौरव जी, ये आपके एक प्रोग्राम की हेडलाइन हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की शासन काल में आप एक हेडलाइन बना सकते हैं कि विकास जो है रफ्तार पकड़े हुए है, लेकिन विपक्ष के नाते हम लोग ये कहेंगे कि कोई रफ्तार किसी तरह की कोई रफ्तार नहीं पकड़ रखी है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार तंत्र बहुत एक्टिव मोड में काम करता है, ये पिछले कई सालों से ही इनका एक स्टाइल है काम करने का, ये जितना करते हैं उससे कई ज्यादा गुना दिखाने का काम करते हैं और एक परसेप्शन बिल्ड करने का काम करते हैं, वही परसेप्शन जब से नायब सिंह सैनी जी की सरकार हरियाणा में बनी है तो उसी परसेप्शन को बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है
कि इनको जो दिल्ली का जो इलेक्शन आने वाला है गौरव जी, उस दिल्ली के इलेक्शन में इनको ताबड़तोड़ इनकी जो टेंशन है वो ये है कि किसी तरह हरियाणा प्रदेश दिल्ली के लगता हुआ प्रदेश है और अनाप शनाप जो वादे और जिस तरह की जो बातें बरगलाने वाली और जो जनता को गुमराह करने वाली जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ दिल्ली को जीतने के लिए इनका एक ये लोक लुभावने वादे हम कह सकते हैं, जो तमाम तरह के एनसीआर के लगते हुए एरिया में बार बार ये अपनी रैली और इस तरह के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका एक ही एजेंडा है कि हरियाणा में इस तरह के प्रोग्राम करके दिल्ली के लोगों को ये गुमराह किया जाए कि किस तरह से हमने बहुत भारी भरकम पाते ही हरियाणा प्रदेश में विकास कर दिया, लेकिन इस तरह का कोई भी विकास इनका है नहीं। किसी भी इनका जो मैनिफेस्टो में जो इनका था उसको पूर्ण करने का काम इन्होंने नहीं किया। जैसे दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए हमने जो किराया माफ किया बसों में, क्या हरियाणा प्रदेश में इस तरह का काम इन्होंने किया? हरियाणा प्रदेश में माफी चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में इन्होंने महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का अपने मैनिफेस्टो में कहा था। अब इनके नेता कह रहे हैं कि 5 साल तक हम इसको पूरा कर देंगे, तो क्या 2100 रुपए के लिए 5 साल अपनी बहनों को इनको इंतजार करना पड़ेगा? मेडिकल की अगर बात करें तो मैं आज भी नायब सिंह सैनी का उनका सुन रहा था कि 70 साल से बड़े बुजुर्ग को ये 5 लाख रुपए की कैप के साथ उनको एक इंश्योरेंस देंगे, तो क्या हमारे बुजुर्गों का इतना ही मान सम्मान है कि उनको अगर कोई भी किसी तरह की कोई उस वृद्धावस्था में बीमारी होती है तो उसको मात्र 5 लाख रुपए में आजकल कैसे इलाज होगा? तो दिल्ली की तरफ से ये उनका पूर्ण उसको 100% फ्री क्यों नहीं करते? अगर इनको बुजुर्गों के लिए कोई अगर चिंता है तो मैं तो ये चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इनका कितना भी पैसा लगे हमारे बुजुर्गों का इलाज बिल्कुल फ्री करना चाहिए। बिजली के बिल जीरो करने का काम हमने दिल्ली ने किया, क्या इस तरह का इनका कोई है? 300 यूनिट कब देंगे, कैसे देंगे, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, तो बिजली के ऊपर ये क्या करेंगे? तो गौरव जी कुछ भी इस तरह का कोई इनका काम नहीं है। दूसरा, जितनी भी ये रैलियां कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मेरे बहुत वरिष्ठ साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के रामराज जी शर्मा, मैं इनको भी कहना चाहूंगा कि कल जब मैंने कुछ साथियों से मैंने बात की और कुछ मेरे जानकार लोग जो मेरे को बता रहे थे कि हरियाणा रोडवेज की इन्होंने बस बहुत लंबे उसके लेवल पे इन्होंने हरियाणा रोडवेज बसों को अपनी रैली में शामिल किया, तो वो जनता का पैसा है, टैक्सपेयर का पैसा है, उस तरह की सरकारी जो रोडवेज है उनको अपनी रैलियों में क्यों यूज करते हैं? और कम से कम दिल्ली और जो चंडीगढ़ जो बसें हिसार से जो निकली हैं उनकी संख्या जहां तक को मेरे को आइडिया है, जो लोगों से मेरी बात हुई है, जैसे दिल्ली में इतनी बसें जाती होंगी तो मात्र 2-4 बसें ही सुबह से शाम तक दिल्ली से वापस आई होंगी, गई होंगी, वो परेशानी किसकी है? इतने हजारों की संख्या में इन्होंने यात्रियों को परेशान किया अपनी रैलियों को सफल बनाने के लिए, तो वो टैक्सपेयर का पैसा है और जनता को परेशान करने का काम ये लोग कर रहे हैं, तो कम से कम इस तरह का प्रचार इन्होंने नहीं करना चाहिए, इस तरह की रैलियां नहीं करनी चाहिए कि सरकारी तंत्र को आप इस हद तक यूज करेंगे। तो गौरव जी, जनता को परेशान करने के अलावा डीएपी के लिए किसानों को परेशान किया, अब अपनी रैलियों में सरकारी रोडवेज की जो बसें हैं उनको लगा लगा कर जो पैसेंजर यात्री हैं उनको परेशान किया जा रहा है दिन प्रतिदिन, और हरियाणा प्रदेश के अंदर इतने सारे घोटाले हुए थे उनकी कोई जांच नहीं है, कोई उनका जांच कोई वादा नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, 33-34 घोटाले, बहुत बड़े बड़े घोटाले हरियाणा प्रदेश में हुए थे। शराब का घोटाला कितना बड़ा हुआ था, रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ था, पेपर लीक घोटाला हुआ था, धान का घोटाला हुआ था, उनकी जांच कब करवाएंगे ये बताएं? इस तरह के जो जनता के जो हित के जो मुद्दे थे उन पर कोई काम करना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ रैली और अपना प्रचार प्रसार करना इन लोगों का काम। चलिए ठीक है, शर्मा जी जवाब दीजिएगा जरा, कि जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं शर्मा जी, आपकी सरकार और सीएम साहब खुद यहाँ पर जो कहते हुए, हमने अभी बाइट भी दिखाई कि कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास तीव्र गति से हो रहा है, केंद्र सरकार के सहयोग से पूरी तरीके से आगे प्रदेश को लेकर जाया जा रहा है, लेकिन कमल जी की भी आपने कॉमेंट को सुना, कमल जी का रिएक्शन भी आपने सुना, और जो है यहाँ पर वीरेंद्र जी का भी आपने सुना कि जिस तरीके से जो है आप दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, दिल्ली के चुनावों में इफेक्ट पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, चूंकि दिल्ली और जो प्रदेश है आपका हरियाणा वो लगता हुआ है, तो ऐसे में क्या इसका जो है प्रभाव इन चुनावों पर पड़ेगा? क्योंकि अगर इन पर चुनाव पड़ेगा तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड भी, और जिस महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से देखने को मिला, तो क्या उसका भी प्रभाव वहां पर दिखाई दिया था जो दिल्ली की यहां पर वीरेंद्र जी जो उठा रहे हैं? शर्मा जी देखो, आम आदमी के प्रवक्ता मोदी जी को इनको डर सता रहा है कि दिल्ली की सत्ता इनके हाथ से निकल रही है, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र का, हरियाणा का, राजस्थान का, इनका निश्चित रूप से प्रभाव
इसमें दिल्ली में पड़ेगा और आगे इनकी सरकार को जनता बाय बाय करने वाली है, क्योंकि जनता जाग चुकी है। जिस तरह से इनके नेता घोटाले में फंस गए हैं, भाई जनता ने सब कुछ देख लिया है, जनता सब जानती है और इनको वो डर सता रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं ये इन्होंने बसों के बारे में बोला, अभी मैं इनको जवाब देता हूं, मैं मेरे भाई को बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं थी, ये शोषित समाज, वंचित समाज, गरीब समाज, जिसको डीएससी समाज बोलते हैं, डीएससी समाज जिसमें 36 बरादरियां शामिल हैं, उन्होंने मांगे, जिनके पास में जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करने के लिए वो भाई आए थे। और ये सरकार महापुरुषों की जयंतियां सरकार मनाती है, चाहे भगवान परशुराम की जयंती हो, चाहे धन्ना भगत की जयंती हो, चाहे भगवान वाल्मीकि जी की जयंती हो, चाहे वो अन्य महापुरुषों की जयंतियां हो, सबकी जयंतियां, सूरसेन जी महाराज की जयंती हो, अगरसेन जी महाराज की, सबकी जयंतियां, सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकार अपने अपने खर्चे पे मनाती है। और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी सरकार की सोच है, बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है और सभी वर्गों को सरकार साथ लेकर चल रही है। कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, उस ब्रेक के बाद जो है मैं आपका जो रिएक्शन है उसे पूरा कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन मसला में लगातार सवाल यही कि विकास के मुद्दे पर जिस तरीके से हरियाणा में सियासत जो है गरमाई हुई है उसको लेकर जो है विपक्ष लगातार सवाल क्यों खड़े कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडे वाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। ये देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम, वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साय में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिविजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं, आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है, वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है, मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना,
उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मसला में आपका स्वागत है। मसला में चर्चा विकास के मुद्दे पर, जिस तरीके से प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है और विकास के दावों पर जो आर पार इस समय स्थिति दिखाई दे रही है उसको लेकर चर्चा यहां पर लगातार चलती हुई। यहां पर पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले शर्मा जी आप कुछ कंप्लीट कर रहे थे, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जिस तरीके से जो है अभी आप जो है एक सभा का जिक्र कर रहे थे और जो सवाल लगातार विपक्ष खड़े कर रहा है, चाहे वीरेंद्र जी हों चाहे कमल हंडा जी, उनको लेकर जो है आप अपने अब जो है प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं अपने कोर्ट को। जी देखो, विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है और सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई है। वो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक समाधान प्रकोष्ठ भी बनाया है जिसमें सभी जिले के डीसी एसडीएम 9 से 11 बजे तक जनता की शिकायतें सुनेंगे और उनका समाधान निकालेंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में उसकी डेली रिपोर्ट जाएगी और माननीय मुख्य सचिव जी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। हमारी सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस पैटर्न पर काम कर रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं मानते अकबर ये एमएलए कौन सी पार्टी का है। आप ये बताओ मुख्यमंत्री का प्रसिद्धि का पैमाना क्या होता है जब विपक्ष वाले बड़ाई करने शुरू कर दें। सिरसा का एमएलए ने भगवान की सौगंध खा के कहा मैं भगवान की सौगंध खाता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक मैंने नहीं देखा। इतना बढ़िया, इतना परोपकारी और इतना जनसेवक, जो जन हितैषी कार्य में 24 घंटे लीन रहता है, 24 घंटे समर्पित रहता है, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। और ये कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, इनसे पूछ लेना इनके एमएलए ने ये बोला था नहीं बोला था। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हेलीपैड पे वो विधायक खुद गए थे और रैली में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया, ये मुख्यमंत्री जी की उसका प्रसिद्धि का एक पैमाना है। और जनता लेकिन विकास का पैमाना क्या है शर्मा? विकास का पैमाना क्या है? तो ये है धरातल पर विकास का पैमाना क्या है और पैमाने पर अगर दूसरी बार आदमी नायब सेक्रेटरी मुख्यमंत्री बने, अगर उस पैमाने पर विकास खरा उतर रहा है तो उस मापदंड का क्या जो विपक्ष सवाल उठा के हम आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं। देव तुल्य जनता जनार्दन तो भगवान का रूप है क्योंकि कांग्रेस की तरह हम जनता को शराब तो देते नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री जिस तरह से देव तुल्य जनता जनार्दन को कहते हैं, वह बीजेपी का वोटर राक्षस है राक्षस, और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर शराब देता हूँ कि बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपका शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? जनता भगवान का रूप है। कल तक जनता आपकी आपकी वोटर थी, आज हमारी वोटर है जो जनता की सेवा करेगी। तो जनता जो सरकार की जनता की सेवा करेगी जो सरकार, तो जनता उसी को आशीर्वाद देगी। जनता तो भगवान का रूप है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में 24 घंटे लीन रहते हैं, 24 घंटे समर्पित रहते हैं, और इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा जो मेरे दूसरे प्रवक्ता भाई ने बोला, उन्होंने कहा रोजगार सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है रोजगार। ये कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, इनसे पूछिए इनके टाइम में रोजगार कैसे मिलता था? कैसे मिलता था आपके टाइम में रोजगार, बताइए। आप क्यों नहीं बता रहे आपके टाइम में? मैडम आपके टाइम में मुख्यमंत्री के क्षेत्र से बाहर के बच्चे नहीं लगते। आप लिस्ट लाइए और वो भी किस वक्त किस आधार पर भर्तियां होती थी, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस आधार पर हमारी जिसकी तीन गुजराती आरएसएस हरियाणा का युवा लग रहा है, ग्रुप सी और ग्रुप डी ने फैक्ट्री लगा रखी है कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, हमारा गाय को गुड बोलने की फैक्ट्री हमारी है, हमारी नहीं है। इंटरनेशनल अवार्ड है तो कांग्रेस पार्टी को गारंटी नहीं मारी है। ठीक है शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, ठीक है कमल जी, ठीक है शर्मा जी, आपने
बीच में ना बोलेंगे। कंप्लीट कर लिया, ठीक है ठीक है शर्मा जी, फिर मैं कमल जी के बाद जो है वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, ठीक है शर्मा जी। बोल आपका काम है, आप बताइए, जनता देख रही है। बहुत जल्दी जन आंदोलन भी शुरू होने वाला है ईवीएम के खिलाफ, ये भी सुन ले मेरी बात। अब मैं कुछ बात करो जी, मुझे कहने, ठीक है ठीक है शर्मा जी, शर्मा जी आपने कंप्लीट कर लिया। कमल जी आपका टर्न, ठीक है। अगर भाजपा का प्रवक्ता झूठ नहीं बोलेगा, चाटुकारिता नहीं करेगा, तो इनका महत्व कुछ नहीं है पार्टी में, पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात ये कहते हैं नायब सैनिक 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, अनिद्रा की बीमारी है क्या उनको, इंसोम्निया है क्या वो बंदा जिसको नींद नहीं आती, 24 घंटे काम में लगा रहता है, और अभी दूसरे काम में, बीच में ना बोल। ठीक है शर्मा जी सुनने देते हैं, ठीक है शर्मा जी आऊंगा मैं आपके पास, लौटूंगा। कमल जी को बोलने दीजिए। शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। क्या कह रहे एंकर, क्या कह रहे, सुन ले बात शांति से मेरी बातें। हाँ, विकास नहीं विनाश हो रहा, विकास हुआ जय शाह का, जिसका 16,000 गुना उसका विकास बढ़ा, ठीक है। और दूसरी बात सुनिए, मैं उठ जाऊँ गौरव जी। शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगा। बकवास चलनी है तो आप चला लीजिए फिर। कमल जी आप कंप्लीट कीजिए। शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, लौट के आऊंगा, आप नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट पर जो आप जवाब दे दीजिएगा, पूरा समय आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कमल जी बोलिए। पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ पार्लियामेंट में, ये भी मैं बात बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को। सत्र शुरू होते ही उसको स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अडानी के बारे में बात करना चाहते थे 266 सेक्शन के अंडर, कि जो घपलाबाजी उसने की है, जो हमारा इंटरनेशनली हमारे देश पर थू हो रही है भारत पर, ये उद्योगपति के चलते प्रधानमंत्री उसका साथ दे रहे हैं, और न सिर्फ साथ दे रहे हैं उसको बचा भी रहे हैं साथ में, 4-5 लोग मिलकर, और उसके पास घेरा बनाकर खड़े हैं लोग, और एक है तो सेफ है, ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ, और नांदेड़ की, वहां पर लोकसभा का चुनाव भी साथ में था, विधानसभा का भी चुनाव साथ में था। ध्यान से सुनिएगा, नांदेड़ की बात करूँ, जहाँ पर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जहाँ पर रहे थे नांदेड़ में महाराष्ट्र में, सेम टाइम पे उन्होंने कहा जी, जब चल रहे थे विधानसभा में, तो उन्होंने कह दिया जी हार गया, वहां का जो हमारा प्रत्याशी था चव्हाण साहब, फटाफट 50,000 लोगों को वहां लेकर वहां पहुंच गए, कहते नहीं रिकाउंटिंग कराते हैं। तो फिर हमारा जिता दिया इन्होंने 6, लेकिन विधानसभा इनके पास कैसे चली, अगर हमारा बंदा जीता है तो, ये सोचने वाली बात है। एक परिवार के 4 वोट भी उसको पड़े, वो मतलब उसका मतलब प्रत्याशी है, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है और उसकी माँ है, 4 वोट भी नहीं पड़े उसको, सिर्फ 2 वोट पड़े, कई जगह तो 0-0 वोट भी आए हैं। लोग कहते हैं कि भाई एक बड़े पुराने हैं कांग्रेसी, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भी, जो नेहरू जी के साथ भी सांसद रहे हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा इस वक्त, तो उनके यहाँ पर मतलब अपना उनके वहां पर वो ऐसा खान देश, मैं नाम भी बता देती हूँ उस विधानसभा का, वहां पर हर एक परिवार में रोजगार है, हर एक धंधे में, हर एक परिवार में रोजगार है, कोई भी बेरोजगार नहीं है वहां पर, वो सारा ध्यान रखते हैं, वहां उनका अपना एम्पायर है। दूसरी बात सुनिए, आ रही हूँ मैं, अरे चुप रहा भाई, अरे हरियाणा फिर शुरू करा दिया, हरियाणा के बारे में बोलिए आप, अरे बाहर में जाए ऐसा गौरव जी छोड़िए, अरे नहीं आप बोलिए, नहीं आप बोलिए बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए ना मैम, आप कंप्लीट कीजिए। शर्मा जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा, आपको जब समय दिया जाएगा आप उस समय में बोलिएगा, आपने अपने समय में पूरा, जी ठीक है पूरा बोल दिया आपने, जो है आप जो आपको बोलना चाहिए था, तमीज से बात करो, अपना आपको शिक्षा भी बताती हो। शर्मा जी मैं आप प्लीज आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने काम में जो है बोलिएगा, समय देखिए किस तरीके से, मैम कमल जी आपस ही बहस नहीं है मैम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कमल जी ऐसा है जी आप करवा लो, कमल जी प्लीज आप अपनी बात को कंप्लीट कर रही हैं, आप करवा
नहीं करनी नहीं, आप अपनी बात को कंप्लीट कर रही हैं। बात करते हैं भाजपा का। मैं शर्मा जी को उनके टर्म में बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मैं कमल जी आपकी आप ही की बात को सुन रहा हूँ इतनी देर से। आपको बोलने के लिए दोनों बार मैंने वक्त दिया है। आपको पूरा समय दे रहा हूँ मैं आपको बोलने के लिए। विकास कर रहे हैं, आपको विकास कहाँ से दिखता है? हाँ ठीक है, बोलिए। आप कर रहे हैं आप कर रहे हैं आप ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? पत्रकारिता मर चुकी है पत्रकारिता, जैसे 2014 से मोदी आया है। करिए आप पत्रकारिता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमल जी समस्या क्या है आपकी? मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सवाल दूसरे मुद्दे पर है, विकास के मुद्दे को लेकर। सियासी जो पारा है वो प्रदेश में चढ़ा हुआ है, यहां पर प्रवक्ताओं का पारा वो ऊपर है, उनसे सवाल कर लीजिए तो छिटक के भाग जाते हैं। जैसे कि कमल जी यहां से जो है संपर्क काट के निकल गई हैं। हालांकि सवाल विपक्ष जिस तरीके से बोलने की लगातार हिदायत करता है कि मुझे बोलने का वक्त नहीं दिया जाता, विपक्ष लगातार कहता है सदन में जो है हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन जब उनके पास पूछने के लिए सवाल करने के लिए जब जाओ तो उल्टा सवाल कर जो है उसको दबाने की कोशिश और सवालों से बचकर किनारा करने के लिए फोन काटकर जो है ऐसे करके आप देख रहे हैं तस्वीर पर उनके प्रवक्ता किस तरीके से भाग जाते हैं। ठीक है कमल जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, लेकिन अब वीरेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। कमल जी तो डिबेट का हिस्सा नहीं रही, वो छोड़कर चली गई, कोई दिक्कत नहीं। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। वीरेंद्र जी समस्या क्या है? समीकरण में समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से विपक्ष को जो मैंडेट मिला है, विपक्ष सत्ता पक्ष को आईना नहीं दिखा पा रहा है, सत्ता के नुमाइंदों से आंख मिलाकर जो सवाल करने चाहिए वो पत्रकारों पर आ जाते हैं, पत्रकारिता पर आ जाते हैं, दूसरे मुद्दों पर आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रदेश की अगर बात की जाए, प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते सही तरीके से जो है सही दिशा में जनता के जो अपेक्षाएं उसके हिसाब से जनता को जो रूल आउट करना चाहिए वो नहीं किया जाता, क्या दिक्कत है? वीरेंद्र जी मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए गौरव जी, कम से कम प्रवक्ता साथियों को ये नहीं समझना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश या किसी भी प्रदेश और देश की जनता इतनी समझदार नहीं है। अगर कोई पक्षपात की कोई बात होती है या किसी से बायस जो के बात की जाती है तो हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी समझती है और उस समझ के मुताबिक ही हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बहुत बढ़िया मैंडेट विपक्ष को भी दिया था। बहुत अच्छी वोटों के साथ उन्होंने विपक्ष को मजबूत करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का वोट हम कहे तो ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम है। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी किसी वजह से सरकार में पूर्ण बहुमत से आई और सत्ता बनाने में काबिज बनाने में होने में वो कामयाब रही है। लेकिन किसी भी हालात में विपक्ष के न होने के नाते किसी भी हालात में किसी भी सिचुएशन को हम लोग फेस करेंगे और सड़क से लेकर के संसद तक हम लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए। यहाँ बहुत एक अच्छा हेल्दी एनवायरमेंट में आपस में सब लोगों ने मिलकर के अपनी बात रखनी चाहिए, दोनों साथियों को आपस में सुनना चाहिए। कम से कम हम अपना टाइम वेस्ट तो करते ही हैं, साथ में जो व्यूवर्स होते हैं, जो दर्शक जो होते हैं ना, जनता जो होती है उनका भी समय वेस्ट होता है कि दो प्रबुद्ध लोग बैठ करके उन्होंने किसी विषय के ऊपर गहन मनन करना है, चिंतन करना है और वो आपस में लड़े जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये अच्छी डिबेट नहीं है, यहाँ पर आपस के मुद्दों को सुलझाने के लिए नहीं डिबेट लेकर मैं बैठा हूँ। क्या आपसे आपके विचार किस तरीके से हैं, मतभेद हैं क्या आपस में, आप जो है सुलह कर लीजिए। मैं आपसी नाराजगी को दूर करने के लिए नहीं बैठा हूं, जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए बैठा हूं। जनता के मुद्दों को, जो जनता के बीच में सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर डिबेट चल रही है। और जो विपक्ष कहता है कि बार बार के मेरे मैंडेट को मैंडेट के हिसाब से नहीं बोला जाता, मैंडेट पूरा दिया विपक्ष में बैठने का, लेकिन सवाल विपक्ष से किया कि विकास के मुद्दे पर सवाल क्यों? अगर धरातल पर विकास दिखाई दे रहा है, जैसे कि लगातार बीजेपी कह रही है कि विकास किया जा रहा है, पहले से तेजी की गति से जो है विकास किया जा रहा है, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए तेजी के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार प्रदेश केंद्र सरकार के साथ में मिलकर आगे बढ़ रही है, तो उल्टा मुझसे सवाल कर पत्रकारिता पर वो आ रहे हैं। और दूसरा जो है, फिर यहां जब बोलने के लिए पूरा मौका दिया जाता है, जनता के सामने पूरी तरीके से जो है मुद्दों को रखने के लिए मौका दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद फोन कट करके इस तरीके से जाना, वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे इस पर?
मैं गौरव जी, मैं बिल्कुल यही तुम्हें कह रहा था ना, मैं सभी साथियों को यही कह रहा हूँ कि इस तरह का जो आचरण है वो सही नहीं है, हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। अगर आप हेल्दी वे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होता है, उससे कोई नतीजे पे हम लोग पहुंच पाएंगे। अब जहां तक विकास की बात है, और मेरे रामराजी साथी अभी कह रहे थे कि बगैर खर्ची और बगैर पर्ची, जितने भी मैं इनके वक्तव्य सुनता हूं तो एक बात पे बड़ा जोर लगा के ये बात करते हैं कि बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के हमने काम किया है। तो रामराज जी, बगैर खर्ची और पर्ची का जहां तक आप चर्चा करते हैं, तो 1,25,000 जिन आप साथियों को कह रहे हैं कि HKRM के माध्यम से नौकरियां दी हैं, तो उसमें कम से कम आप हरियाणा प्रदेश की जनता को ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा माध्यम था या कौन सा एक तरीका था जिसमें आपने उन लोगों, उन युवाओं का चयन किया, वो कौन सा तरीका था, या फिर वो किसकी पर्ची से वो भर्ती हुए हैं, ये भी तो हरियाणा प्रदेश की युवा जानना चाह रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छे माध्यम से उनको रखा है 1,25,000 युवा साथियों को, तो फिर उनको बिल परमानेंट क्यों नहीं कर पाते आप, उनको परमानेंट कर दीजिए, उनके बीच में उनके जीवन को आपने लटका के छोड़ दिया 1,25,000 युवाओं को, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, ये आपकी पॉलिसी में बहुत बड़ा गैप है और ये आपका फेलियर है। 1,25,000 युवा साथी 58 साल की उम्र तक वो आपकी तरफ या किसी भी सरकार की तरफ देखते रहेंगे। आपने उनको भर्ती कौन से दरवाजे से किया, और अगर सेफ भर्ती किया है तो फिर उनको पक्का कर दीजिए, विपक्ष के होने के नाते हम ये मांग उठाते हैं। दूसरा, इन्होंने घोटालों की बात करी है, तो 34 से 35 बहुत बड़े मास लेवल पे घोटाले हुए हैं। मैं कुछ इन चर्चा भी बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने नौकरी के बदले में पैसे लेने का काम, HPSC में सूटकेस पकड़े गए, इनके ऊपर आरोप लगे, वो इनको कभी इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। इनका रजिस्ट्री घोटाला बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उनका कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। शराब घोटाला 9,800 करोड़ रुपए का हुआ, इसमें उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। पेपर लीक घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, सहकारिता घोटाला हुआ, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला हुआ, इतना बड़ा प्रॉपर्टी आईडी घोटाला था। मैं हिसार से हूं, तो हिसार में हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट किया, एडमिट किया, और मेयर साहब जो थे उन्होंने तो खुले में आकर के कहा कि मैंने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, उसके बाद भी उस कंपनी को इन्होंने पेमेंट कर दी गई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के टाइम में कितने करोड़ रुपए के फर्जी बिल, और वो इनका दवाइयों का एक ऐसी फर्म को दवाइयां खरीद दी गई जो अस्तित्व में नहीं थी, अब वो फाइलें 10 साल बाद उसके फाइलें खुली हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस तरह के तमाम, जो खानक में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था खनन का जो हुआ, अरावली की अगर इनकी बात करेंगे तो अरावली में इन्होंने जो डी नोटिफिकेशन करी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करना पड़ा, उसके बाद इन लोगों ने अपनी पॉलिसी चेंज की। तो इनके बहुत सारे ऐसे घोटाले थे जिन पे कोई संज्ञान नहीं लिया है। जिन युवाओं को इन्होंने नौकरियां दी हैं वो पर्ची के बगैर दी हैं क्या? वो कौन सी, किसकी पर्ची पे HKRM में आपने लगाए? अगर वो बहुत साफ सुथरी पॉलिसी थी तो उनको पक्का कर देना चाहिए, बिल्कुल उनको परमानेंट की तरह एक ट्रीट करना चाहिए। और अभी किसानों की बात करो, महिलाओं की बात करो, तो उस तरह के इसमें आम आदमी पार्टी का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हरियाणा प्रदेश में शिक्षा और बेरोजगारी और नशा जो है, नशा के हरियाणा प्रदेश दिन प्रतिदिन, हरियाणा प्रदेश के गांव में आप इंटीरियर में जाके देखेंगे तो इतनी उसमें लोग चले गए हैं, युवा साथी, नशे के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। अपराध के मामले में दिन प्रतिदिन हत्याएं, लूट, डकैती हरियाणा प्रदेश में हो रही है, उनके ऊपर नरसिंह सैनी जी की कोई कंट्रोल उनका कुछ है नहीं उसके ऊपर। तो इस तरह के बहुत बड़े मुद्दे हैं। शिक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें स्कूलों का कोई इन्होंने उद्धार नहीं किया, स्कूलों के ऊपर कोई फोकस नहीं है इनका, सिर्फ एक फोकस है कि प्राइवेट स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, सरकारी स्कूलों को समय धीरे धीरे बंद करने की पॉलिसी मेरे को नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा है कि शिक्षा को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हिसाब से शिक्षा दी जाए, उस तरह के शिक्षा का बेहतरीन वातावरण आम आदमी पार्टी चाहती है। हम कम से कम इनसे चाहते हैं कि शिक्षा के ऊपर फोकस किया जाए, स्कूलों का उद्धार किया जाए, स्कूलों की बिल्डिंग, वहां की पानी की व्यवस्था, स्कूलों में उनके जो कमरे हैं, खिड़कियां हैं, टॉयलेट हैं, टॉयलेट लड़कियों के टॉयलेट तक स्कूलों में नहीं है। आज भी मैं नायब सिंह सैनी जी का स्पीच सुन रहा था, वो कह रहे शिक्षा पे हमने इतना बड़ा काम किया, ये किया, तो बताए स्कूल बंद करने के अलावा इन्होंने स्कूलों में कौन सा काम किया है, कौन सी बिल्डिंग को अपग्रेड किया, कौन से स्कूलों को अपग्रेड किया? तो इस तरह के बहुत सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हरियाणा प्रदेश में है, तो हम तो यही कहेंगे कि कम से कम उन मुद्दों के ऊपर काम किया जाए, इस तरह की बहस से बचा जाए। ठीक है बिल्कुल वीरेंद्र जी। रामराजी शर्मा जी, जवाब दीजिए जरा, जिस तरीके से जो है प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं और जो विकास के मुद्दे जो अनगिनत आपने किए हैं और उन वीरेंद्र जी ने सिलसिलेवार तरीके से जो गिनाए हैं, आप भी बिंदुवार तरीके से जो है उनका जवाब दीजिए। और निवेदन कि वही कि जिस तरीके से जो आपसी बहस है वो जनता के बीच में ना की जाए, जनता के मुद्दों पर ही चर्चा की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि समय और वक्त एक
सीमित है, उसी सीमित दायरे में रहकर जो है हमें बात करनी है, उसी सीमित दायरे में रहकर जो है हमें चर्चा समापन भी करनी है, चर्चा शुरुआत भी करनी है और चर्चा के में जो है हल भी लोगों को देना है। शर्मा जी, मैं चाहूंगा आज माननीय मुख्यमंत्री जी, सेठ छाजूराम जी जो बड़े परोपकारी थे, उन्होंने कई कॉलेज खोले, आज उनकी 159वीं जयंती के समारोह में शामिल हुए वहां पे जाट शिक्षण संस्थाएं निसार में, और जाट शिक्षण संस्थाओं का 100 वर्ष पूरे हो गए। तो वहां पे उन्होंने बताया वहां पे कि भाई इनके सेठ जी के बारे में बताया छाजूराम जी, भाई वो बड़े परोपकारी थे और उन्होंने शिक्षा पे भी बड़ा जोर दिया, और हमारी सरकार भी उनका अनुसरण कर रही है, हम शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। और मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा, 10 वर्षों में हमने 77 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिसमें 32 लड़कियों के हैं। अब टोटल कॉलेजों की संख्या 182 हो गई है। शिक्षा पे हमारी सरकार ध्यान दे रही है, शिक्षा पे भी ध्यान दे रही है, और सभी वर्गों की सरकार है ये, सभी जातियों की सरकार है, और रोजगार पे भी हमारे भाई साहब ने रोजगार का मुद्दा भी उठाया था। मैंने पहले आपको बताया था ये कौशल रोजगार निगम की बात कर रहे थे, अभी ये कौशल रोजगार निगम में मैं भाई साहब आपको ही बताना चाह रहा हूँ, ये वो लड़के हैं जो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत में काम करते थे पहले वाली सरकारों में। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसको नोट करना। और ठेकेदार पहले क्या करता था, वो पैसे लेके भर्ती करता था, उनको 2-4-6 महीने में रखता, फिर हटा देता, फिर रखता 2-4 महीने बाद, ना उनके पैसे देता, उनकी सैलरी नहीं देता, ना उनका पीएफ जमा करता, फिर हटा देता। तो दूसरा, जो कुछ और भर्ती किए उनके बाद में, इनकी संख्या बढ़ाई है और भर्ती करे हैं, वो मेरिट के आधार पर भर्ती करे हैं, और बिल्कुल इसमें भर्ती के मामले में हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शी है। और आपको मैं बताऊं, हर गांव में, आप किसी गांव में आप इशार के रहने वाले हैं, आपने भी मानना पड़ेगा ये, हर गांव का बच्चा कोई किसी गांव से 5 बालक लगे हैं, किसी से 10 लगे हैं, किसी गांव से 20 लगे हैं, किसी से 50 लगे हैं, क्योंकि भर्ती टोटल मेरिट के आधार पर हो रही है, और ये मेरिट के आधार पर बिना करती बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चिपड़ासी भी नहीं लगा था, जिसके पास में जींद रहा था तक का भाड़ा नहीं था, उस घर का बच्चा थानेदार लगा, भाई साहब मैं आपको बताना चाहूं, जिसके पास में किराया तक नहीं था, क्योंकि मेरिट के आधार पे, पहले तो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र तक सीमित रहता था, मैंने पहले आपको बताया, पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी पहले वाली सरकारों में, पहले परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस बात को तोड़ा था, और उन्होंने कहा था पूरा हरियाणा का परिवार मेरा परिवार है, और पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे, मैं हमारे सदस्य परिवार के, और मैं पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानता हूं, और सारी भर्तियां होंगी जो मेरिट के आधार पर होंगी, और मेरिट के आधार पर भर्तियां होगी, और जो जो एक आध आप कह रहे ना पकड़े, वो पकड़ने वाला कौन था, हमारी सरकार थी, अगर हमारी नीयत में खोट होता हम क्यों पकड़ते, हमने जो पहले वाली सरकारों की जो पुनरावृत्ति थी वो हमने होने में दी। आज टोटली मेरिट के आधार पर भर्तियां हो रही हैं, कोई भी एमएलए कोटा, मंत्री कोटा, सीएम कोटा, विधायक कोटा, कोई कोटा नहीं है इस सरकार में, पहले वाली सरकारों में होता था। ठीक है सीएम कोटा इतना अभाव है, एमएलए कोटा जो है, मुझे बताया जा रहा है कमल हड्डा जी एक बार फिर से जो है फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। कमल जी, आपका फाइनल टेक क्या रहेगा? कमल जी, कमल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, मेरी आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच रही है। और बहरहाल शर्मा जी, समय का अभाव है, इस वजह से जो है मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, इंटरप्ट करना पड़ रहा है। शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मसला में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन मसला में लगातार सवाल यही कि विकास के मुद्दे पर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है प्रदेश के अंदर, वो सियासत प्रदेश तक ही सीमित रहे, जब चर्चा की जाए तो चर्चा जो है धरातल पर, समीकरण पर और मुद्दों पर की जानी चाहिए, और जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं, उसके साथ जो है यहां पर चर्चा की जानी चाहिए, न कि आपसी मतभेद को लेकर जो है, आपसी वैर को लेकर जो है यहां पर जो है लड़ाई, और फिर उसके बाद इस तरीके से
डिबेट को वॉकआउट नहीं करना चाहिए। और उम्मीद यही करूंगा कि आगे से जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है, तो विपक्ष जो सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है, सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन जनता का ने जो अपेक्षाएं जो विपक्ष से की हैं वो धरातल पर चर्चा में सब जगह देखनी चाहिए और बखूबी प्रखर होकर उन मुद्दों को सामने रखना चाहिए। मसला में इतना ही, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients